गाइस देखो अब हम एरोप्लेन उड़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखो ये ब्रेक भी लगाएंगे, अभी ये एरोप्लेन उड़ने वाला है कुछ ही समय में। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम आए हुए हैं नोएडा के 18 सेक्टर में, जहां पे एक एरो रेस्टोरेंट बनाया गया है, काफी इंटरटेनमेंट बनाया गया है। आज इसके बारे में देखेंगे और सभी को भी दिखाएंगे। तो देखो साथियों कितना खूबसूरत बना हुआ है, आज देखते हैं इसके बारे में। तो हमने टिकट ले लिया है इसका, इसका टिकट जो है 99 रुपये का है। अभी आगे चल के देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों कुछ जानकारी लेते हैं इसके बारे में हम। सर बताइए ये इसकी ओपनिंग कब हुई थी? सर इसकी ओपनिंग हुई थी 29 अक्टूबर। अच्छा 29 अक्टूबर को ये ओपन हुई। 29 अक्टूबर 2021 में इसकी ओपनिंग हुई थी। और सर ये बताइए ये किस किस दिन खुलता है और किस दिन बंद रहता है? ये सातों दिन खुलता है गाइस। और इसकी टाइमिंग जो है, टाइमिंग सर 12 से रात को 10 बजे। अच्छा दोपहर 12 बजे से इसकी टाइमिंग है और रात को 10 बजे तक खुला रहता है। इसके बारे में हम पहले जानकारी ली थी तो इसका टिकट 200-250 रुपये का था करीब। हाँ सर वो 250 का था, जिसमें से 150 बिल में कवर हो जाता था। 100 रुपये एंट्री चार्ज था, ओनली एंट्री चार्ज कर दिया। ओनली एंट्री 100 रुपीज की है। तो दोस्तों देखो कितना सस्ता टिकट है, आप यहाँ कभी भी आओ, अपने बच्चों को लेके आओ, साथियों को लेके आओ, किसी भी वक्त लेके आ जाओ। 99 रुपीज का टिकट है दोस्त, आइए। गाइस आप यहां आ सकते हैं अपने दोस्तों के या के किसी के भी साथ आ सकते हैं, बच्चों को लेके आओ, बर्थडे बनाओ, पार्टी करो। काफ़ी बड़ा बनाया गया है, कुछ भी ऑर्डर दो बहुत बढ़िया तरीके से आप यहां पार्टी बना सकते हो। और कितना ही खूबसूरत बनाया गया है सर, देख सकते हैं आप सभी। चलते हैं अंदर देखते हैं। देखो गाइस कितना बेहतरीन रेस्टोरेंट है और यहाँ पे पूरी एरोप्लेन वाली फीलिंग आ रही है गाइस। देखो खिड़कियाँ भी, देखो खिड़कियों पे इधर का देख सकते हैं आप,
देखना वो इसका पंख लगा हुआ है, सभी देखो आप कैसे जाते हैं। गाइज मैं तो कहूँगा आप यहाँ पे आए, अपने बच्चों को साथियों को लाएं, बड़ा ही मज़ा आएगा यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है देखो। ऑर्डर हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा सर जी। पिज्जा मंगवाना था एक। कौन सा पिज्जा सर? देखना ये चिकन टिक्का पिज्जा। चिकन टिक्का जी। ओके ठीक है। अच्छा और पानी वानी जो होगा उसका भी चार्ज लगेगा? उसका कितना है? 99 है, पानी का चार्ज भी 99 है। ठीक है चलो देखते हैं। गाइज ये है पानी की बोतल और इसका चार्ज है 99 रुपीज। गाइस हमारा पिज्जा आ चुका है, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। लग तो है कुछ दम, देखते हैं अभी। यह है चिकन टिक्का जिसे कहते हैं चिकन टिक्का। बेहतरीन एकदम लजीज टिक्का जिसे कहते हैं। गाइस आप यहाँ कभी भी आओ चिकन टिक्का पिज्जा जरूर खाना। मैं तो कहूँगा दोस्त आप भी खाओ ना, आप क्यों नहीं खाए? मेरा जो साथी है ना वो खाना नहीं चाहे अभी, वो थोड़ी देर में खाएंगे। चलो कोई नहीं। कितना मजा आया इसमें? बहुत मजा आ गया। अच्छा जी बैठे नहीं तो अब बैठने में बड़ा मजा आया। अच्छा पिज्जा कैसा लगा यहाँ का? पिज्जा तो बड़ा टेस्टी था। अच्छा जी चिकन के साथ में था उसके अंदर? बहुत बढ़िया बहुत टेस्टी है। अच्छा आपके आना हो तो किसके साथ आओगे? किसी और के साथ देखेंगे, फ्रेंड वगैरह साथ में सब। तो खाली फ्रेंड के साथ आओगे या गर्लफ्रेंड के साथ? नहीं गर्लफ्रेंड नहीं, जब गर्लफ्रेंड भी वाइफ भी जो भी समझ लो। अच्छा उनके साथ ही एक साथ मतलब यहाँ के खूब एंजॉय आने वाला है। चलो जी बढ़िया। तो गाइस यहाँ पे आए हम, हमने खाना खाया बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। और यहाँ का जो पिज़्ज़ा था बड़ा ही अच्छा टेस्टी था, चिकन का पिज़्ज़ा था जिसका रेट था 445 रुपये। बड़ा मज़ा आया खा के। और आप कभी भी आएँ अपने बच्चों को लेके आएँ और ये पिज़्ज़ा जो खिलाएँ देखें आप। क्योंकि एक बंदे का 50 रुपीज है इसमें अंदर जाने का। तो गए हम गाइस देखो अब हम एरोप्लेन उड़ाने जा रहे हैं।
तो दोस्तों देखो ये ब्रेक भी लगाएंगे, अभी ये एरोप्लेन उड़ने वाला है कुछ ही समय में। दोस्तों मेरा एक सपना था पायलट बनने का, लेकिन कुछ कमी के कारण मैं पायलट नहीं बन सका। तो दोस्तों देखो आज कुछ नहीं तो यहाँ तक आ गया, ये काफी हमारे लिए। कोशिश तो कर रहा उड़ने की लेकिन उड़ नहीं पाएगा, लग रहा है इसमें पेट्रोल कम है, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा साथियों। ये अगर हम इसको घुमाएंगे तो दूसरा भी घूमेगा इसके साथ ही। इसमें ब्रेक मारने की सुविधा है, यही बहुत अच्छी सुविधा, काफी खूबसूरत बनाया गया है। देखो साथियों ये मीटर भी लगाए गए हैं इसमें, कितने सारे, काफी सारे मीटर लगाए गए। तो ये काफी पुराना इंजन है साथियों, बताया जाता है कि इंजन में कुछ कमी है, खराब हो जाते हैं तो ये इंजन आ जाते हैं, इनका म्यूजियम वगैरह बन जाता है। देखो साथियों, और मिलवाता हूँ मैं अपने साथी से, मिलवाता हूँ आपको। देखो वाओ, देखना इधर, मजा आ रहा है इसमें। कितना मजा आ रहा है इसके अंदर, बहुत मजा आ रहा है इसके अंदर, बहुत मजा आ रहा है ना। हाँ वाओ, काफी सारे तो बटन है इसके अंदर। अच्छा समझ नहीं आ रहा कौन सा बटन किस चीज का। अच्छा यहाँ पे आए कैसा लगा आपको? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आया ना, ठीक लगा, बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। चलो ठीक है, अब उड़ाने की कोशिश करो इसे किसी तरीके से। उड़ाए उड़ता नहीं है बस खाली, अभी इसको तो ब्रेक गायब हो गया। देखो दोस्तों कितने सारे इंजन, कितने बटन है इसमें, काफी सारे लगे हुए, ऊपर भी लगे हैं नीचे भी लगे हैं। बस बंदा देखेगा तो कहेगा कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं, खुद कंफ्यूज हो जाएगा बंदा यहाँ पे। आओ वापसी आ जाओ भाई। वाटर पार्क भी बना हुआ है, यहाँ पे कोविड की वजह से फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। दोस्तों अब हम घूम चुके हैं एवो रेस्टोरेंट, और इस वीडियो के बारे में ना कमेंट्स करके बताएं ये कैसी लगी, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारा चैनल होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बेल आइकन होगा उसको दबाएं ताकि आपके पास अगली वीडियो सबसे पहले आए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।